नमस्कार, मैं हूं श्री बुढ़ानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल एक्सपो 2022 फरीदाबाद इंडस्ट्री जो हैदराबाद की तरफ से है। तीसरा दिन है और फाइनल डे है। आज ओपनिंग की थी केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और उनके सुपुत्र देवेंद्र चौधरी, जो कि समापन के अवसर पर आए हैं और बात करेंगे आखिरकार ये मेला किस प्रकार से लगा। तो साहब, कैसा लगा ये एक्सपो? देखिए, आज मैं सबसे पहले तो इस IMT इंडस्ट्रियल एक्सपो 2022 को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए IMT इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रधान भाई प्रमोद राणा जी, HSIDC से विकास चौधरी जी और मेरे साथ आए भाई विनोद जी, मैं आप दोनों को यहाँ पर इसके लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म इन्होंने यहाँ पर तैयार किया है IMT के अंदर कि जहाँ पर विभिन्न प्रकार की उद्योग अपनी स्टॉल लगाकर अपने शहर के लोगों को और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के साथ साथ क्या क्या नई यहाँ पर चीज़ें आ सकती हैं और क्या क्या काम यहाँ पर विस्तार किया जा सकता है उसकी विस्तृत जानकारी इस एक्सपो के माध्यम से लोगों को मिल रही है, उद्योग जगत के लोगों को मिल रही है। और इससे निश्चित तौर पर फरीदाबाद में उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन चुका है और लोगों की भागीदारी जिस तरह से इसमें हर बार बढ़ रही है वो निश्चित तौर पर ये IMT इंडस्ट्रियल एरिया आने वाले समय में एक बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। आज यहाँ पर विश्व स्तर की सारी कंपनियाँ यहाँ पर आई हैं और उनके द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट सबके सामने आए हैं। इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए विशेष तौर पर प्रमोद जी और विकास जी, आप दोनों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। एक समय फरीदाबाद रेवेन्यू देने का सबसे नंबर वन था गुरुग्राम के बाद, आज भी फरीदाबाद ये नंबर वन है। जो मैं अक्सर पहले भी पूछा करता हूँ, केंद्रीय मंत्री से पूछा था मैंने, उन्होंने काफ़ी घोषणा भी कर दी है इनको, मतलब वो लॉलीपॉप साबित होंगे या वास्तव में गिफ्ट देंगे वो? देखिए, फरीदाबाद शहर के विकास के लिए हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने 2014 के बाद जिस तरह से फरीदाबाद को विकास की गति को दोबारा से आगे ले जाने का काम किया है, चाहे यहाँ पर कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे यहाँ पर पुलों के निर्माण की बात हो, आज बाईपास का निर्माण कितनी तेज़ी से हो रहा है, ये दिल्ली वडोदरा बम्बई एक्सप्रेसवे का जिस तरह तेज़ी से विकास हो रहा है, जिस तेज़ी से ऊपर कार्य हो रहा है, निश्चित तौर पर इससे फरीदाबाद की इंडस्ट्रीज़ को आने वाले समय में यहाँ पर व्यापार, यहाँ पर उद्योग इतनी तेज़ी से बढ़ेंगे कि ये जो कनेक्टिविटी का जो मैटर है वो अगर यहाँ पर सफल हो पाया है तो वो हरियाणा की आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार के माध्यम से हमारे यहाँ के स्थानीय नेताओं ने जो पहल करी है, जो मेहनत करी है, उसके परिणाम आज हमको देखने को मिल रहे हैं। कनेक्टिविटी सीधी हो जाएगी, लेकिन क्या कंपनियाँ वापस लौट कराएंगी फरीदाबाद में? देखिए, आज आप देखिए, पिछले 8 साल में ये IMT 8 साल पहले यहाँ पर क्या स्थिति थी, आज यहाँ पर कोई भी स्थान खाली नहीं है। जो इंडस्ट्री यहाँ पर आप पूछेंगे, जिसने यहाँ पर उद्योग लगाए हैं, उन सबको और ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह से यहाँ उद्योग धंधे पनपे हैं और बढ़े हैं 2014 में हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने के बाद, आज आप देखिए कितनी तेज़ी से ये IMT का विकास हुआ है और ये आगे और तेज़ी से होगा। इसी का आप जीता जागता उदाहरण इस बात से समझ सकते हैं कि जिन्होंने यहाँ पर उद्योग लगाए हैं उनको जगह कम पड़ने लगी है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर उद्योग बढ़े हैं, पनपे हैं और आगे इसी गति से के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि उद्योगों के लिए जिस तरह की सुविधाएं, जिस तरह की सहूलियतें हरियाणा की सरकार ने दी हैं, उससे हमारे यहाँ के उद्योग भी बढ़े हैं, यहाँ पर रोज़गार भी बढ़े हैं और शहर की प्रगति में भी इन उद्योगों का एक बड़ा और अहम भूमिका है। ये सब आज आपके सामने यहाँ पर इस एक्सपो के माध्यम से हमारे यहाँ की टीम ने करके दिखाया। 8 साल पहले प्लॉट सुने पड़े हुए थे, लेकिन प्लॉट आज आपका कहने का मतलब भर गए हैं काफी, खाली नहीं है आज कोई उद्योग हाँ, बहुत लगे हैं ना, लगे हैं। अगर सारे लेकिन अगर इतना बड़ा है, जितनी सुविधाएं बढ़ाई हैं आपने, उतना इंफ्रा आपके पास सरकार के पास मौजूदा समय में नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। बिजली के मामले में देखिए, बिजली के मामले में कुछ समस्याएं थी यहाँ पर स्थानीय स्तर पर, हमारे बिजली विभाग के SC साहब से बात करके उनका समाधान कराया गया है। कुछ देखिए, आए कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी रहती हैं जो टाइम टू टाइम कभी आ जाती हैं, उनका समाधान कराने के लिए हमारे पास यहाँ पर ऐसी टीम है जो कोऑर्डिनेट करके उनका समाधान निकालने का प्रयास करती है और उन्होंने करके दिखाया है और उनको हर स्तर पर हमारे यहाँ के नेताओं का, हमारे अधिकारियों का निरंतर उनको सहयोग रहता है
और उन समस्याओं का समय समय पर उनका समाधान कराते हैं, क्योंकि छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे सड़कें भी हैं, उसके लिए भी दो दो डिपार्टमेंट के बीच में कसाकसी चलती रहती, कौन बनाएगा। सड़कों की हालत आजकल आज बहुत बुरी है इस सेक्टर की, जबकि इस सेक्टर का बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकास होना चाहिए था। देखिए, सड़कें यहाँ की बननी शुरू हुई हैं, नहर पार के सेक्टर्स की भी अगर हम बात करें, वहाँ की जो मास्टर रोड्स हैं उनके ऊपर पीछे कुछ रिपेयर का काम हुआ था, FMDA उनको दोबारा से बनाने जा रही है। शहर की बड़ी सड़कों की बात करें, आप 9 सेक्टर की सड़क की बात करें, 12 सेक्टर की बात करें, 16 सेक्टर की बात करें, सारी RMC सड़कें आज बनकर तैयार हो गई हैं, और सड़कें भी ऐसी बन रही हैं जो आने वाले 10-10, 15-15 साल तक उन पर रिपेयर तक की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो देखिए, समय समय पर समस्याएँ आती हैं, लेकिन सरकार के द्वारा ग्रांट की कोई कमी नहीं है, और सरकार की जो इच्छा शक्ति है वो लोगों को सुविधाएँ मुहैया कराने की है, और वो सरकार के द्वारा समय समय पर जैसी ज़रूरतें हैं उसके अनुसार कराई जा रही है। राणा साहब जी, दिल तो बहुत खुश होगा आपका, समापन है, अच्छा समापन हो रहा है। बिल्कुल जी, आप देख ही रहे हैं, और मेरे से ज़्यादा तो आप जानते हैं कि किस तरह के लोग यहाँ आए हैं और कितनी तादाद में आए हैं, और सबसे बड़ी बात हमें सरकार से, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी से, देवेंद्र भाई से लगातार सहयोग मिल रहा है, जिसकी वजह से एक छोटी सी एसोसिएशन जो मात्र 1.5 साल पहले बनी है उसने इतना बड़ा कार्यक्रम करा है। तो इसमें सरकार और लोकल और स्थानीय नेताओं का सबका सहयोग है, तभी इतने बड़े प्रोग्राम संभव हैं। क्या वजह है कि केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर आप पर इतना मेहरबान क्यों है, क्योंकि IMT फरीदाबाद के प्रति कुछ ज़्यादा ही नरम उनका हुआ है, तो बहुत कुछ दे भी रहे हैं आप, 2 एकड़ की ज़मीन मांग रहे हैं आप, आपको लैंड मिल रही है 10 एकड़ की। एक्चुअली में हमारे मंत्री जी खुद इतने कार्यशील हैं, वो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, वो हमारी टीम यंग है, तो उनको हम जो रिजल्ट दे रहे हैं, ये ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, उनके पास फीडबैक है कि कौन आदमी ठीक से काम कर रहा है, तो मंत्री जी ने तो हमेशा उस आदमी को बढ़ाया है जो समाज को रोज़गार दे रहा है, फरीदाबाद की उन्नति में भागीदार बन रहा है, तो जो भी काम करेगा मंत्री जी के लिए वो ही प्यारा है, जो काम नहीं करेगा वो तो किसी के लिए भी नहीं। अच्छा, एक समय फकीराबाद हो गया था, फकीराबाद सरकार की वक्त दृष्टि रहती थी, केड़ी नज़र रहती सरकार की उद्योगपतियों के प्रति, इस मौजूदा सरकार की नज़र कैसी है? बिल्कुल ठीक है जी, जब भी इतना उद्योग फल फूल रहे हैं, और मनोहर लाल जी की सरकार और हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल जी की नीतियों के कारण और उनकी कार्यशैली को देखते हुए फरीदाबाद तरक्की कर रहा है, और आप देखो ना आज फरीदाबाद के रेट कितने बढ़ गए, कनेक्टिविटी, दो दो हाईवे, तो इतने कार्य कर रही है सरकार की, गिनाना बड़ा ही मुश्किल है कुछ समय में। अच्छा, केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी आए थे, उन्होंने आपकी मांगे मान ली थी काफ़ी सारी, और अब देवेंद्र चौधरी भी आपके बीच में आए हैं, तो ऐसी कौन सी प्रमुख मांगे हैं जो देवेंद्र कृष्ण पाल गुर्जर जी ने मांगी? देखो, मैं तो हमेशा ही देवेंद्र जी से और मंत्री जी से कनेक्ट रहता हूँ, उसमें ये लगातार हमारी समस्याओं का प्रयास कर रहे थे, पर कोई कई बार क्या होती है छोटे लेवल की समस्या MB नहीं पहुंचाते हैं, तो ऑलरेडी उन पे चल रहा था उस दिन, मंत्री जी ने आपने देखा होगा कि हमारी समस्याओं को मैंने पूरी बात भी नहीं की थी, और उन्होंने SC साहब को फ़ोन मिला के और यहाँ घोषणा कर दी कि ट्रांसफॉर्मर जनवरी में आ जाएंगे, तो इतना हाजिर दबाव और इतना मतलब एक्शन करने वाले तो बहुत कम मंत्री हैं जी। अच्छा, फरीदाबाद में कौन सा बड़ा उद्योग आ सकता है? फरीदाबाद में ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं, आज आप यहाँ देखोगे IMT में तो 5,000 करोड़, 3,000 करोड़, मतलब बहुत बड़े उद्योग हैं यहाँ, और IMT में तो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो आज की डेट में किसी चीज़ की कमी नहीं है, और हम ये मानते हैं आने वाले 1-2 साल में फरीदाबाद का काया पलट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। तो ये थे हमारे बीच में देवेंद्र चौधरी, मेहबूब राणा IMT के अध्यक्ष हैं, बहुत संतुष्ट दिखाई दिए हैं सरकार से, और विजिटर्स काफ़ी संख्या में आए हैं, दिल भी इनका बहुत खुश रहा है। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर प्रतिक्रिया दें, और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका थोड़ा सा सहयोग चाहिए, आपकी उंगलियों का चलना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।